जिला परिषद है, पंचायत समिति अथवा पंचायत मतलब आ गए, ऐसे में सभी जिलों में जा करके और पंच के जो प्रतिनिधि हैं सरपंच यानी सरपंच और पंच साथ पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच जिला परिषद पंचायत समिति के जो पार्षद उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो जो सिस्टम सरकार के वो उनको बताए हैं कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी, डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई, अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है, लोक समिति वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा, ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो रिकमेंड करेगा और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा जैसे सबसे पहले जेईज हैं 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्सएन करेंगे, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक वो एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा, चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा और 7 दिन के अंदर अंदर के टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे, क्योंकि एक शिकायत रहती है कि काम हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, उसमें 7 दिन कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथियों से काम करा लूँगा, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे करा लेंगे, हम कहते हैं कि उन सब साथियों को नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दो, रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ ये एक ऑथोराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है, जो छोटी छोटी 2-3 बातें होंगी वो नए पर लगाएंगे, ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे फिर ए के बनेंगे, कोई भी नया कंट्रैक्टर बड़ा काम ना पकड़े और बड़े काम करने वाले कंट्रैक्टर्स को छोटे काम ऑफर किए नहीं जाते, क्योंकि 2-5 लाख का काम करोड़ों का काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, इसलिए वो सारे सिस्टम ठीक बना दिए हैं, पारदर्शिता से काम हो, नेताओं के प्रति विश्वास लोगों का ये बढ़े, क्योंकि एक समय था कभी जब मोदी जी भी कहते थे कि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे अपने बिरादरी के लोगों की छवि ठीक करनी है, यानी नेताओं की, तो नेताओं की छवि तब ठीक होगी जब जनता ये कहेगी कि नहीं ठीक काम हुआ है, विश्वास पूरा है, जो पैसा आया वही पूरा लग गया, वरना बीच बीच में जो गड़बड़े होती रहती हैं उसके कारण से जनता में छवि भी बिगड़ती है, तो हम अपने नेताओं की छवि को भी ठीक करना चाहते हैं चाहे फिर किसी लेवल का हो, और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम, और मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर एक वातावरण बनेगा और काम आगे बढ़ेगा।